सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल परंपरा ब्लॉग्स। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइज, आज मेरे पास है ऐसा प्रोडक्ट जिसको आपको देखने के बाद आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। तो ऐसा क्या खास प्रोडक्ट है, मैं ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। बट अगर उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। सो भाई, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो हमारा हाफ फेस का जो हेलमेट आता है उसका अगर आप वाइज़र भी लेने जाते हो तो मुझे नहीं पता है कि 300 से नीचे कहीं मिलता भी कि नहीं मिलता है। तो इस बारी मैंने वाइज़र को छोड़ करके कम्प्लीटली कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोचा है। तो ये उसी से रिलेटेड वीडियो बनने वाली है। जो मैंने आज प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, ये वाइज़र की ही तरह कुछ सिमिलर दिखता है, लेकिन जब आप इसको अपने हाफ फेस हेलमेट पर इंस्टॉल करोगे ना, तो भाई मैं एकदम गारंटी दे रहा हूँ, जब रोड पर चलोगे ना तो लोग तुमको मुड़ मुड़ करके देखेंगे। अब तुम सोचोगे कि ऐसा क्या मंगाया भाई ने। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहना भाई, सब बताऊंगा। प्रोडक्ट कैसा लगेगा ये लोग आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो परचेज करना, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो देख लीजिए, पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, अमेजोन के थ्रू ये आया है। और चलिए इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखो भाई, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है, और ये हमारा बिल है, ठीक है। बिल आप हमारा देख लीजिए, जो प्रोडक्ट हमें पड़ा है 375 रुपये का पड़ा है, ठीक है। इसमें हमारा शिपिंग चार्जेज इंक्लूड है 40 रुपये का। वैसे आपका जो इसका प्रोडक्ट का चार्ज है वो 40 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को प्रोडक्ट अगर ये अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लोग जाना, मेरे लिंक से जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो वगैरह कुछ ऐसी नहीं बन रही है, ठीक है। आप अपने भी जा सकते हो, मैं उसका नाम मेंशन कर दूंगा, आप जा सकते हो। तो प्रोडक्ट अब देखते हैं हम लोग। तो भाई ये पॉलीथीन है, ये कुछ ऐसे रफ पेपर्स हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हो, वाइज़र की तरह काम करेगा। और जो हमारा हाफ फेस का जो हेलमेट होता है, रॉयल इनफील्ड हंटर गाड़ी है मेरे पास। तो जो कंपनी की तरफ से जो हेलमेट मिला था उसमें वाइज़र नहीं मिला था। रॉयल इनफील्ड वाले आपको हेलमेट तो देते हैं, बट हेलमेट के सामने जो शीशा होता है, वाइज़र होता है, वो नहीं देते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज लगता है। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को बना लिया जाए। तो ये देख लीजिए, ये क्रोम फिनिश में ये शीशा है, और यहाँ पे आपका ये मास्क डिटेचेबल है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपका आराम से एकदम निकल जाएगा, ये देखिए आप निकाल भी सकते हो। पूरा नहीं निकाल रहा हूँ, इसलिए निकाल रहा हूँ कि फिर लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। दूसरा क्या है कि इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जाली बनी हुई है, मतलब अगर आप जैसे सांस इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो यहाँ पे हल्का सा फोम की कोटिंग की गई है, ताकि मतलब जो डस्ट वगैरह है वो आपके मुंह में ना चले जाए, ठीक है। किनारे यहाँ पे जाली दिया गया है, एयर वेंट्स के लिए दिया गया है, हवा जाएगी तो मतलब आपका थोड़ा सा जो, जैसे आप देख रहे हो कि फुल फेस ये मतलब कवर किया रहेगा, तो आपके मतलब चेहरे पर पसीना ना आए, इसलिए किनारे किनारे से इसमें हवा जाएगी। और बाकी तो शीशा इसका देख ही रहे भाई, माशाल्लाह आपकी आँखें दिखाई नहीं देंगी इसको किसी में भी। और मतलब अंदर से मैं ऐसे देख रहा हूँ तो बहुत ही बढ़िया इसकी विजिबिलिटी भी है, ठीक है। मतलब ऐसा, मतलब जो बाहर का जो मौसम है, ठीक है, जो सनग्लासेस आप लगाते हो ना नॉर्मली, मतलब उतना ही आपका ये हल्का कर रहा है। तो इसके चलिए फटाफट पहनते हैं हेलमेट पे। अब इसको हेलमेट पे पहनने का दो तरीका है, देखिए इस पर इलास्टिक लगा हुआ है। अच्छा, ये जो इलास्टिक है, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि एडजस्टेबल है, ठीक है, नॉर्मली एडजस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर छोटा करना है तो ये छोटा हो गया, और आपको अगर बड़ा करना है तो एक साइड से इतना खींच लो, ठीक है, दूसरी साइड से इतना खींच लो, तो इसकी लेंथ इतनी हो गई है। तो हम लोग सबसे पहले इसको लगाएंगे हेलमेट के ऊपर, और एक बार लगाएंगे हेलमेट के नीचे। आप लोग कमेंट में बताना कि हेलमेट के ऊपर देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हेलमेट के नीचे, क्योंकि हेलमेट के ऊपर लगाएंगे तो ये जो गेटिस रहेगी वो बाहर की तरफ से रहेगी, और अंदर लगाएंगे तो हमारे सर के अंदर से रहेगी, उसके ऊपर हेलमेट रहेगा तो पता नहीं चलेगा थोड़ा सा। लेकिन देखते हैं फिटिंग पहले, सबसे पहले किस पे अच्छी बैठ रही है और देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैंने अपने हाथ में ले लिया है रॉयल इनफील्ड का जो हेलमेट कंपनी की तरफ से मिला था, वो वाला देख सकते हो, ये हाफ फेस हेलमेट है, इसमें शीशा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पहनेंगे, और इसके ऊपर से पहनेंगे अपना हम वो वाइज़र, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। पीके वाला फील आ रहा है मुझे पहनने के बाद, जैसे आमिर खान, बस समझ लो कि वो जुआ केसरी वाला मैंने गुटखा नहीं भरा हुआ है, नहीं तो पूरा पूरा पीके ही लगता। और इसके ऊपर से हम लोग इंस्टॉल करेंगे अब इसको, तो इसको इस टाइप से कुछ इंस्टॉल करेंगे। इसकी सेटिंग हो गई है, ये कुछ इस टाइप से ऐसे बैठेगा, देख सकते हो। आवाज़ हो सकती है कि मेरी थोड़ी सी चेंज हो गई हो माइक में, ठीक है, बट फिर भी आपको उम्मीद है कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, और जो हमारे जो ये गेटिस है ये बाहर की तरफ से है, ठीक है। तो आप ये बताना कि ये वाला अच्छा लग रहा है, कि अगर मैं इसको अंदर से करता हूँ एक बार वो भी देखता हूँ। सबसे पहले इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ, ये उतारा मैंने नीचे,
और अब इसको लगाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लगाने पे तुम्हें क्या लग रहा होगा, थोड़ा सा स्विमर वाला फील आ रहा होगा, जो पानी वगैरह में करते हैं वो स्विम करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लगा लिए और इसके ऊपर से अब हेलमेट लगाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे तो यार दोनों तरीके से ही सही लग रहा है और फिटिंग वगैरह भी इसे काफ़ी बढ़िया है, मतलब पूरा पूरा कवर कर रहा है, कहीं से गैप वगैरह नहीं रह रहा है। ठीक है, इतना मतलब हल्का सा मुझे यहाँ से लग रहा है, थोड़ा सा गैप है, बट वो जो इसके अंदर जो फोम की कोटिंग की गई है उसके चलते गैप है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रहा है। तो यही है भाई हेलमेट, और बताओ इसका पहले लुक कैसा लग रहा है। ठीक है, ख़तरनाक वाला लुक आ रहा है ना भाई, उसके बाद लग रहा है कि नहीं टर्मिनेटर गाड़ी पे बैठा है कि नहीं, मतलब को थोड़ा सा अब लोग आप देख रहे होगे कि कैसा लग रहा है, तो जब आप गाड़ी पे खुद चलोगे तो लोग पीछे मुड़ मुड़ करके देखेंगे कि अरे भाई ये कौन सा हेलमेट है, जबकि देखो ये एक कम्प्लीटली मतलब कम्बाइंड लग रहा है कि इसी के साथ मतलब अटैच लग रहा है, जब अंदर आप लगाया हो आपको ऐसा लग रहा होगा। तो मुझे तो मतलब यही वाला अच्छा लग रहा है, और अभी मैं खुद भी वीडियो में देखूंगा कि कैसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कि बाहर की तरफ से अच्छा लग रहा है, अंदर तरफ से अच्छा लग रहा है, इसमें बस आपकी जो कमी है वो एक ही हो जाएगी, जैसे आप जो फुल फेस का जो हेलमेट यूज करते हो, फुल फेस वाला जो हेलमेट होता है उसके ऊपर आप जैसे मोटो वॉकिंग वगैरह कर रहे हो तो आप जो माउंट है वो चीन माउंट जो होता है वो आप हेलमेट के आगे लगा सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा आपको ये दिक्कत पड़ेगी कि आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, अब इसके ऊपर लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा और बाकी कहीं आप लगा नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा आपको इसके चलते कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट में बताना ना भूलना कि जो स्ट्रिप है वो बाहर से अच्छी लग रही है कि अंदर से अच्छी लग रही है। बाकी थैंक यू सो मच।